हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई मैच बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने अब तक फॉर्मूलों की जो वीडियो थी हमारी जिसमें हमने फॉर्मूलों को विद एग्जाम्पल क्लियर किया था वो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लें, यानी कि वीडियो नंबर 1 देख लें इस चैप्टर की, ठीक है। उसके लिए आपको YouTube पर डालना होगा वाईफाई मैच बाय धर्मवीर सर, पूरा चैनल की प्लेलिस्ट आ जाएगी। प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें से सर्च करें डिफरेंशिएशन की जो प्लेलिस्ट है उसके उसको सर्च करें, उसमें वीडियो नंबर 1 देखे जो फॉर्मूले बेस है, ठीक है। तो चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज आपकी 7.2 और 7.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, तो सबसे पहला काम तो देखिए हमारा क्या होता था, सॉल्यूशन सबसे पहला ही काम हमारा होता था, लेट कर लेते थे हम y के इक्वल टू गिवन क्वेश्चन को, ठीक है। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा cos 5x। अब हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था कि केवल फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी ऐसी है जिसमें थोड़े लेंथी क्वेश्चन होंगे, अभी सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आने हैं तो इनसे आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने वाला है, तो ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, dy अपॉन में dx, और हमें पता है सबसे पहले किसका होना है, cos का। देखिए ये चीज क्लियर कर लीजिए, सबसे पहले होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर है तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर का, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और फिर उसका जो एंगल होता है ना जिसको हम थीटा बोलते हैं, ठीक है उसका। तो क्या है भाई, सीरीज क्या है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर का, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और फिर उसके एंगल का, ठीक है। ये बात आप याद रखें बिल्कुल, और मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था कि हम चैन रूल से नहीं करेंगे, पूरे चैप्टर को आप एक कॉमन मेथड से पढ़ेंगे, ठीक है। चैन रूल से अगर आपको करना है तो 5x को आप u लेट कर लें, और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया था सेम वैसे करें, है ना। तो हम तो एक सीधा मेथड से पढ़ेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर ही हो जाए। तो भाई क्या होगा, यहाँ पर cos की पावर तो है नहीं तो इसका तो सिस्टम ही खत्म हो गया, पावर तो है नहीं तो किसका होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होगा। और यहाँ पर cos है, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का जो डेरिवेटिव होता है आपका वो क्या होता है भाई, माइनस साइन। याद होगा मैंने बोला था को आ गया, तो को आ गया तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, और एंगल जो है ना वो एज इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव किसका हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हुआ है भाई, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ है तो एंगल आपका सेम लिखा जाएगा जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होगा, तो कोस का हो गया माइनस साइन, और एंगल एज इज रहेगा। अब किसका बचा है, एंगल का बचा है, इसके थीटा का बचा है, तो इनटू में लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, क्योंकि इसका बचा हुआ है, क्लियर है। देखिए x के कोएफिशिएंट वाली बात जो मैंने आपको फॉर्मूलों में समझाई थी, ठीक है, वो यहाँ पर हम अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक अप्लाई कर सकते हैं जब तक कि वेरिएबल की डिग्री 1 हो, x की पावर जब तक 1 होगी तब तक तो आप सीधा x का कोएफिशिएंट इनटू में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब डिग्री 1 से लेस या 1 से ग्रेटर हो जाएगी तो वहां पर आपको समस्या हो जाएगी, इसलिए मैं आपको पहले क्लियर करा चुका हूँ कि कॉमन मेथड से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हर एक में पहले क्या करना है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर का, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और फिर उसके एंगल का यानी कि थीटा का। तो पावर तो यहाँ थी नहीं, कोस का हमने कर दिया माइनस साइन 5x, अब 5x का होगा अगले स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका सेम रहेगा, माइनस का साइन 5x और इंटू में 5 आपका कॉन्स्टेंट है, एक्स का कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 5 आपका कॉन्स्टेंट था, एलटीज रहेगा, जीरो नहीं होगा क्योंकि इसके साथ इंटू में क्या है, एक्स है, अगर एक्स नहीं होता तो जीरो, और एक्स का कितना हो गया 1, ठीक है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना होगा 5, और मैंने आपको बताया था कि नंबरों को आगे लिख दिया करो, तो माइनस का 5 मैंने आगे लिख दिया, और फिर क्या लिख देता हूँ, साइन 5x, और यही आपका क्या होगा भाई, आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट कर लेते हैं वाई के इक्वल टू, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वेयर रूट साइन रूट एक्स। देखिए मैक्सिमम पार्ट करा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान देते हैं बस आप। तो यहाँ पर भी क्या होगा भाई, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो वाई का तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपोन में डी एक्स, लेकिन यहाँ पर समस्या आ गई है, साइन से पहले उस पर क्या है, रूट है, तो पहले किसका होगा, रूट का, फिर साइन का, फिर उसके एंगल का जब नंबर आएगा तब इस एक्स के रूट का होगा और फिर एक्स का होगा, ठीक है। तो एक एक स्टेप अंदर चलते जाएंगे और कोई बात नहीं है। तो देखिए रूट का अभी हम यहाँ पर नहीं करेंगे, तो पावर भी लिख देते हैं इसको पहले, साइन रूट ऑफ एक्स, और ये सबसे ऊपर जो स्क्वेयर रूट आपको नजर आ रहा था इसको मैंने पावर होल पावर 1/2 करके लिख दिया है, ठीक है। अब इसका करेंगे भाई कैसे होगा, पावर आगे आ जाएगी 1/2 आगे आ जाएगा, और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो 1/2 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा, माइनस का 1/2। आपने पिछली
वीडियो के अंदर समझ लिया था कि x की पावर n इक्वल्स टू क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमेशा पहले पावर का जब डेरिवेटिव आप करोगे तो यही कंसेप्ट लगना है कि ऑलरेडी जो पावर है वो आगे आ जाएगी और पावर में से वन माइनस हो जाएगा। तो यही तो किया मैंने, पावर आगे आ गई और पावर में से वन बाई टू में से वन माइनस करेंगे, वन बाई टू में से वन माइनस करेंगे तो माइनस का वन बाई टू नहीं बच जाएगा। तो ये तो हो गया पावर का, अभी इंटू में किसका बचा है भाई, डी बाई डी एक्स किसका बचा है। देखिए ये तो पावर का हुआ है, इस अंदर की टर्म का बचा हुआ है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम साइन रूट ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमने लिख दिया है साइन रूट ऑफ एक्स। तो यहाँ से पावर नेगेटिव है अपोन में जाएगी वापिस, अपोन में जाएगी कैसी हो जाएगी पॉजिटिव, इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे हम। ठीक है, तो नेगेटिव पावर है अपोन में जाएगी कैसी हो जाएगी पॉजिटिव। तो यहाँ पर हो गया वन बाई टू, तो आपका सेम ही था, पावर नेगेटिव थी नीचे गई पॉजिटिव हो गई, और पॉजिटिव हाफ पावर का मतलब क्या होता है रूट, तो वापिस से इस पर क्या लग गया है स्क्वेयर रूट लग गया है। और लास्ट वीडियो के अंदर, इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको स्क्वेयर रूट का सीधा डेरिवेटिव करना भी बताया था कि आप वन बाई टू लिख करके और सीधा इसको अपॉन में लिख दे, तो वो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, तो इसको तो मैंने सोल्व करके लिख दिया है, बातें इस पर, इसमें सबसे पहले अब क्या नजर आ रहा है साइन, तो साइन का डेरिवेटिव होगा और साइन का क्या होता है कोस, एंगल एज डीज रहेगा भाई, साइन का हो गया कोस, इसका एंगल था रूट एक्स, तो रूट एक्स ही आएगा इसके साथ, लेकिन अभी भी रूट एक्स का बचा हुआ है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इसका बचा हुआ है। अगले स्टेप में देखेंगे, इसको वन से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देता हूँ, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास कोस रूट एक्स। ठीक है, वन से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया है, और यहाँ पर हो जाएगा टू रूट ऑफ साइन रूट एक्स इंटू में यहाँ पर इसका होगा। ठीक है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे रूट को हटा करके वन बाई टू पावर लिख देंगे, इसकी होल पावर कितनी लिख देंगे वन बाई टू। ठीक है, अब पहले पावर का होगा वन बाई टू आगे चला जाएगा, पावर में से वन माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का वन बाई टू बचेगा भाई, वन बाई टू माइनस वन करेंगे तो माइनस का हाफ, और माइनस का हाफ है तो अपोन में लेके जाएंगे, अपोन में लेके जाएंगे प्लस का हाफ नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का हाफ होगा तो क्या होगा, न्यूमिनेटर के अंदर हमारे पास है कोस रूट एक्स अपोन टू रूट ऑफ साइन रूट एक्स इंटू, टू पहले ही अपोन में था, हाफ पावर नेगेटिव है पॉजिटिव करने के लिए अपोन में लेके जाएंगे, पॉजिटिव हाफ पावर हो जाएगी, और पॉजिटिव हाफ पावर का मतलब क्या होता है रूट, तो मैंने वापिस से इस पर क्या लगा दिया रूट, कोस रूट एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा कोस रूट एक्स, टू टू जा और छोटी टर्म आगे रूट एक्स को आगे लिख देंगे, और फिर क्या आ जाएगा आपका रूट ऑफ साइन रूट एक्स। ठीक है, ये क्या हो गया आंसर, तो कोई भेद नहीं है, बस स्टेप टू स्टेप चलते रहे, सबसे पहले ये रूट दिखा इसका किया, फिर साइन का किया, फिर इसके एंगल में रूट का किया, और एक्स का वन ही होता है इसलिए मैंने यहाँ इंटू में नहीं लिखा। ठीक है ना, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा वन, तो वो लिखना कोई जरूरी नहीं था। तो दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सिक्स्थ पार्ट है भाई, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे लेट कर लेते हैं वाई के इक्वल टू क्या है हमारे पास टू रूट ऑफ कोट रूट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम सीधा स्टेप अप्लाई करेंगे, एक बार मैंने आपको फिर से रूट का डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है एक्चुअल में वो रिवाइज करा दिया है। ठीक है, अभी इसका डायरेक्ट करते हैं, तो वाई का तो क्या होगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, टू यहाँ पर कॉन्स्टेंट है एच डीज रहेगा, सबसे पहले होगा रूट का, और रूट का मैंने आपको बताया था वन अपॉन टू लिखे आप, और इस टर्म को एच डीज नीचे लिख दे। ठीक है, ये किसका हो गया स्क्वेयर रूट का हो गया है ये। ठीक है, डेरिवेटिव हो चुका है स्क्वेयर रूट का, अभी इंटू में किसका बचा है इसके अंदर की टर्म का, तो अंदर की टर्म क्या है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स स्क्वेयर, तो स्क्वेयर रूट का एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, टू आपका एच डीज है, रूट का करेंगे तो वन बाई टू लिख करके इस टर्म को एच डीज नीचे लिख दे, सीधा स्टेप है, दो स्टेप कम हो गए। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स मिलेंगे, नंबर नहीं कटेंगे आपके, तो यहाँ पर टू से टू क्या हो गया हमारा कैंसिल, तो क्या बचा भाई वन अपॉन रूट ऑफ कोट एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और इंटू में किसका होगा कोट का, कोट का क्या हो जाएगा भाई, कोट का हो जाएगा आपका माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर, और एंगल एच डीज रहेगा, कोट का क्या हो गया माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर, कोट का क्या था फॉर्मूला माइनस कोसिकेंट था, को आ गया ना तो नेगेटिव आएगा ना, ऐसे बताया था, और एक्स स्क्वेयर एच डीज है, अब भी बचा हुआ है किसका एक्स स्क्वेयर का, अब भी किसका बचा हुआ है एक्स स्क्वेयर का, इसके एंगल का बचा हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए हमने कैसे किया, पहले रूट का किया, फिर कोट का किया, अब किसका करेंगे एक्स स्क्वेयर का करेंगे, तो इस टर्म को वन से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देता हूं मैं, तो अपोन में तो मेरे पास क्या आ गया, अपोन में आ गया आपके पास कोट एक्स स्क्वेयर, और इस टर्म को वन से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखूंगा एच डी जाएगी कोसिकेंट स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का करेंगे तो क्या आ जाएगा टू एक्स, बताया था याद कर लो एक्स स्क्वेयर का टू एक्स कैसे हुआ है,
ऑलरेडी जो पावर है वो आगे चली गई और पावर में से 1 माइनस हो गया। x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। फॉर्मूले अगर देख लोगे तो बात बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी भाई, ठीक है। शुरू से वीडियो देखो, बीच से मत देखो। 2 माइनस 1 करेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, और x की पावर 1 है तो कितना क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2x लिख सकते हैं, 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो आप याद कर लें कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, ठीक है। अब इसको मैं आगे लिख देता हूँ, छोटी टर्म को हम आगे लिखते हैं अक्सर, तो माइनस का 2x मैंने पहले लिख दिया है, फिर क्या लिख देता हूँ, कोसेकेंट स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या था मेरे पास, रूट ऑफ कोट एक्स स्क्वायर, और ये आपका क्या था भाई, आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले आप लेट कर लेंगे वाई के इक्वल टू, इसको सेकंड पर पहुंच चुके हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट हमने देखे हैं, टोटल 6 थे, ठीक है, तो बाकी 3 आप खुद से ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही। चलिए इसमें वाई के इक्वल टू लेट कर लिया है, डिफ्रेंसिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का क्या हो जाएगा, डीवाई अपॉन में डीएक्स। देखिए कोस की आपको पावर नजर आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है, तो इसका मतलब पहले अब किसका होगा, कोस का होगा, क्योंकि कोस की पावर तो है नहीं, तो कोस का क्या होगा भाई, कोस का होगा आपका साइन, कोस का क्या होता है, साइन। अब ये एंगल जो है ना, ये थीटा आपको एज इट इज लिखना है, इसके साथ ये नहीं विदाउट थीटा लिख दोगे, थीटा हमेशा साथ होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो कोस का हो गया साइन और इसका थीटा एज इट इज। अब इसका थीटा का जो है ना बचा हुआ है, एंगल का बचा हुआ है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। तो यहां से क्या हो गया आपके पास, ये हो जाएगा साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे तो दोनों टर्म के बीच में किसका साइन है, माइनस का, तो दोनों का अलग अलग होगा, माइनस या प्लस का साइन हो तो अलग अलग होता है, तो 1 का क्या होगा, 0, क्योंकि इसके साथ एक्स की टर्म नहीं है, ठीक है, तो ये तो हो गया 0, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है भाई। तो यहां पर इस 0 तो लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये माइनस का 2x तो लिखना जरूरी है, तो ये छोटी टर्म है इसके कंपैरिजन में, इसको आगे लिख देते हैं, तो माइनस 2x मैंने पहले लिख दिया है, और फिर क्या लिख देता हूं मैं, साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही थर्ड पार्ट है, वाई के इक्वल टू लेट कर लेते हैं, क्या है हमारे पास, साइन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। ये देखिए आपकी सिंगल टर्म है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर डबल टर्म है और यू इंटू वी की प्रॉपर्टी लगेगी, बिल्कुल गलत बात है, ये सिंगल टर्म है। क्यों सिंगल टर्म है, क्योंकि खाली साइन लिखा है, अगर ये अलग टर्म है तो इसका एंगल कहां गया, ठीक है ना, तो इसका एंगल यहां पर नहीं लिखा है। अगर ये चीज ऐसे लिखी होती, साइन एक्स इंटू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो ये डबल टर्म थी, दो टर्म इंटू में थी, एक ये थी और दूसरी ये थी, तो लगती इसमें यू इंटू वी, लेकिन ये अब सिंगल टर्म है, क्योंकि साइन का ही एंगल है, ये साइन का क्या है, थिट्टा है ये, ठीक है ना। तो आप सब्स्टिट्यूशन अगर यहां पर लगाना चाहें तो इसको यू लेट कर लें, ठीक है, लेकिन उससे क्वेश्चन लेंथी हो जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम सीधा मेथड पढ़ रहे हैं। तो बस सीधा करते हैं, क्या होगा भाई, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का तो क्या हो जाएगा, डीवाई अपॉन में डीएक्स। देखिए सबसे पहले होगा साइन का, और ये इसका है थिट्टा, इसका नंबर आएगा बाद में। अगर ये रूट इस पर होता तो पहले रूट का होता, फिर साइन का होता, फिर थिट्टा का होता, लेकिन रूट साइन पर नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर नहीं है, तो इसके थिट्टा पर है, इसके एंगल पर है, तो जब इसका नंबर आएगा ना तब रूट का होगा। दोनों में फर्क है, इसमें कंप्लीट पर रूट था, कोट के ऊपर रूट था, इसलिए पहले रूट का हुआ। यहां पर इस साइन पर रूट नहीं है, इसके थिट्टा, ये पूरा इसका थिट्टा है, इस पर रूट है, जब थिट्टा का नंबर आएगा, इसका नंबर आएगा, तब रूट का होगा, ठीक है ना। तो यहां पर साइन का क्या हो जाएगा भाई, कोस, साइन का क्या हो जाएगा, कोस, ठीक है। और यहां पर हम गड़बड़ कर गए थे कि इसमें आया था को तो नेगेटिव साइन आना था, ठीक है, इसमें को आया था ना, सीओ को, तो नेगेटिव साइन आना था, यहां पर भी नेगेटिव साइन आता, और ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के क्या बन जाता, पॉजिटिव बन जाता भाई, ठीक है, ध्यान दिया करो आप इन चीजों पर, ठीक है, मेरे से मिस हो गई गलती से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइन का क्या हो जाएगा, कोस, और इसका जो थिट्टा है ना वो आपका एच डी जाएगा भाई, थिट्टा क्या आएगा, एच डी, तो यहां पर हो जाएगा आपका रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन का हो गया कोस, थिट्टा एच डी इंटू में किसका होगा, थिट्टा का, यानी कि डी वाई डी एक्स किसका होगा, रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स का, ठीक है भाई, ये हो गया। तो यहां से हो जाएगा आपका, ये तो एच डी चलता रहेगा क्योंकि इसका तो डेरिवेटिव हो चुका है। यहां पर हम सीधी बात अप्लाई करेंगे, सबसे पहले किसका होगा, रूट का, और रूट का तो मैंने आपको याद करा दिया, क्या 1 अपॉन 2 लिखो और इस टर्म को एच डी लिख दो, ये रूट का हो गया,
दो स्टेप कम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये अप्लाई तभी करना है जब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो। ये नहीं है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव पूछा है और इसमें आप सीधा एक ही लाइन में लिख दो 1/2 रूट ऑफ एक्स, तो नंबर कटेंगे फिर, जब पूछा ही रूट एक्स का गया है तो, ठीक है। तो यहाँ पर एक काफी बड़ा सा क्वेश्चन था तो इसके अंदर आप सीधे स्टेप अप्लाई कर सकते हो। अगर क्वेश्चन छोटा सा ही है तो सीधे स्टेप अप्लाई मत करना, फिर तरीके से सोल्व करके दिखाना। 1/2 पावर लिखना, आगे लेके जाना, 1 माइनस करना, नेगेटिव पावर बनेगी, अपॉन में जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव पावर का मतलब क्या हो जाएगा, रूट, ठीक है। तो ये तो बड़ा क्वेश्चन था इसलिए हमने सीधा स्टेप अप्लाई कर दिया है। अब इंटू में चलते हैं। यहाँ पर इंटू में किसका बचा हुआ है भाई, ये तो हुआ साइन का, ये किसका आया था इस साइन का, फिर हमने किया रूट का, तो ये रूट का हो गया। अब किसका बचा हुआ है, रूट के अंदर आपको साइन प्लस कोस दिख रहे हैं, इनका बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन प्लस कोस एक्स, ठीक है, अगले स्टेप में करेंगे। चलिए इस चीज को 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखूंगा तो एल टी जा जाएगी, कोस क्या जाएगा आपके पास, कोस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और इसके अपॉन में क्या था, 2 रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। और अब आ जाते हैं इस पर, दोनों टर्म के बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो दोनों का अलग अलग होगा, अलग अलग करेंगे तो भाई साइन का तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स, और कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, कोस का क्या होगा, माइनस साइन, को आ गए ना, को आ गए तो नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो आप इस टर्म को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करके या तो आगे लिख रहे हैं, आगे लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि पीछे लिखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोस के एंगल में है, जबकि कोस के एंगल में केवल ये है, ये वाली एक अलग चीज है, इनटू में है ये, ठीक है ना। तो इसको आप आगे ही लिख दें, तो आगे लिख देते हैं कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और इनटू में क्या लिख देते हैं, कोस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और अपोन में क्या था भाई, अपोन में था 2 रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा यहां पर, ये टर्म आपकी इससे कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि ये तो इसके एंगल में है और ये चीज बाहर है, ठीक है। या तो दोनों ही एंगल में होते तो कैंसिल हो जाता, या दोनों ही बाहर होते, मतलब ये इसका थीटा नहीं होता तो कैंसिल हो जाता, यहाँ कैंसिल नहीं होगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई ये एक चीज हमसे मिस हो गई यहाँ पर, कि ये होल पावर थी इसकी, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर लिखा नहीं था, तो इसकी वजह, इसके अगर क्वेश्चन ये पकड़ के चलते हैं तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा, लेकिन यहाँ पर होल पावर अगर 2 लेके चलेंगे तो आंसर में थोड़ा सा चेंज आएगा, फिर यहाँ पर हमें पहले पावर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। जब ये एंगल का किया है ना तो इससे भी पहले आपको पावर का करना पड़ेगा, यानी कि 1 - x² इसका होल स्क्वायर का करना पड़ेगा भाई, गलती से मिस हो गया ये, तो पावर का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 - x², और 2 - 1 करेंगे तो 1 पावर आएगी, तो ये वाली एक टर्म और इंक्लूड हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद इसका होगा, ये पहले पावर का होगा, होल पावर 2 का हुआ ये, ठीक है, फिर ये होगा, तो ये टर्म बीच में यहाँ पर आ जाएगी अगर आप 2 लेके चलते हैं तो, ये गलती से मिस हो गया। तो अगर इसको नहीं रखते हैं इसके हिसाब से तो बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन ये 2 पावर लेके चलेंगे तो ये टर्म और इंक्लूड होगी, ठीक है। तो काफी 2 गलतियां हो गई हमसे इसमें, कोस का तो क्या होगा, माइनस साइन होगा, एक तो ध्यान रखें कोस से को आ रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा, और ये पावर गलती से मिस हो गई, गलती से छूट गई, अगर ये आप लेके चलते हैं तो ये टर्म बीच में और आएगी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड का ही 6th पार्ट और ले रहे हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं वाई के इक्विवेलेंट, इसको वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन रूट ऑफ 1 + x², ठीक है। तो अब सीधा अप्लाई करेंगे क्योंकि ये चीज हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं स्क्वेयर रूट के लिए, तो क्या होगा भाई वाई का तो क्या हो जाएगा dy/dx, ठीक। सबसे पहले ये ऊपर, सबसे ऊपर आपको स्क्वेयर रूट नजर आ रहा है, और स्क्वेयर रूट का हमने अच्छे से याद कर लिया है, 1/2 लिखेंगे और उस टर्म को एच डीज लिख देंगे, ये लीजिए काम कंप्लीट, स्क्वेयर रूट का हो गया ये सबसे ऊपर जो आपको स्क्वेयर रूट नजर आ रहा है उसका डिफ्रेंसिएशन हो गया। तो इनटू में किसका बचा है, उसके अंदर जो है, और उसके अंदर क्या है हमारे पास, उसके अंदर है साइन रूट ऑफ 1 + x², इसका बचा हुआ है, ठीक है। अब आप बता सकते हैं बिल्कुल कि यहाँ पर पहले किसका होगा, अब साइन का होगा, पहले साइन का होगा फिर रूट का होगा फिर इसके अंदर जाएंगे, ठीक है, और ये एच डी चलता रहेगा। तो यहां से हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ साइन रूट ऑफ 1 + x², ठीक है भाई। तो अब साइन का होगा, साइन का क्या होता है, कोस होता है, और जब साइन का कोस हो गया थीटा इसके साथ रहेगा, ये इसका थीटा है, ये इसके साथ रहेगा, ये इसको छोड़ के नहीं जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। साइन का हो गया कोस और थीटा एच डी, और dy/dx अब किसका होगा, थीटा का, और थीटा में आपको क्या नजर आ रहा है, √1 + x² इसका बचा है। अगले स्टेप में करूंगा, एक स्टेप में एक ही डेरिवेटिव,
इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करके मैं ऊपर लिख सकता हूं, तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास कोस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपोन में क्या था 2 रूट ऑफ साइन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया भाई। अब इस पे आ जाते हैं, इस टर्म को तो 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया है, इसमें पहले किसका होगा, सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट का भी याद कराया 1/2 लिखो और इस टर्म को सेम लिख दो, ये इसके स्क्वायर रूट का हो गया। ठीक है, अब भी बचा हुआ है, किसका बचा हुआ है, इसके अंदर का, अंदर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका बचा हुआ है भाई, अगले स्टेप में करेंगे। ठीक है, तो यहां से अब थोड़ा इसको एक साथ लिख देते हैं, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आएगा आपका कोस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपोन में देखिए 2 2 4, ये छोटी टर्म है ना इसके कंपेरिजन में, तो इसको आगे लिख देते हैं रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर क्या लिख देते हैं रूट साइन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनटू में आ जाते हैं इसके, यहां पर दोनों के बीच में प्लस का साइन है, दोनों का अलग अलग होगा, 1 का क्या हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई 2x। ठीक है, अब 0 प्लस 2x क्या आएगा 2x, तो इस 2x को हम इसके आगे लिख देते हैं, तो आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x और क्या था भाई कोस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपोन में क्या था, अपोन में था आपके पास 4 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ साइन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 से 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये कैंसिल करके मैंने यहीं पर चेंज कर दिया है। ठीक है, ये जो 2 आया था इससे ये 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये मैंने 2 वहां पर सीधा लिख दिया है। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कोई भेद नहीं था, सबसे पहले रूट दिखाई दिया, रूट का किया, फिर अंदर साइन दिखाई दिया, साइन का किया, फिर से रूट दिखाई दिया, रूट का किया, फिर उसके अंदर नजर आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो उसका किया, जो कैंसिल हुआ कैंसिल कर दिया, फाइनल आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले वाई के इक्वल टू लेट कर लेंगे आप यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस कोस रेज टू पावर 6x। तो देखिए दोनों टर्म के बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो दोनों का अलग अलग होगा यहाँ पर भाई, ये ध्यान रखना, तो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का तो क्या हो जाएगा भाई dy अपॉन में dx, यहां पर dy dx किसका साइन क्यूब का अलग, प्लस है बीच में तो प्लस, और dy dx किसका cos रेज टू पावर 6 का अलग। ठीक है, दोनों का अलग अलग होगा, आप सीधा भी कर सकते थे, मैं आपको समझाने के लिए लिख के बता रहा हूं कि इसका अलग करेंगे और इसका अलग करेंगे। चलिए करते हैं, तो पहले किसका होगा पावर का, पावर दिख रही है तो पावर तो आगे आ जाएगी 3 आगे आ जाएगा और 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2, वही x रेज टू पावर n वाला रिजल्ट लगा है, सबसे पहला ही फॉर्मूला है डेरिवेटिव का। ठीक है भाई, तो पावर आगे आ गई, पावर में से 1 माइनस कर दिया, अब भी यहां पर बचा हुआ है किसका बचा हुआ है, ये तो पावर का हुआ है मेरे भाई, तो किसका बचा है साइन का बचा है, साइन एक्स रहेगा और 6 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 5। ठीक है, 6 आगे आ गया, 6 में से 1 माइनस किया कितना बचा 5, और इंटू में किसका बचा हुआ है भाई, अब इंटू में बचा हुआ है किसका कॉस एक्स का। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्लियर है। चलिए और सिंपलीफाई करते हैं इसको, तो यहां पर हो जाएगा आपका 3 साइन स्क्वेयर एक्स इंटू में साइन का क्या हो जाएगा कोस, साइन का क्या हो गया कोस, प्लस यहां पर हो गया आपका ये एच डी जाएगा कोस रेज टू पावर 5x इंटू में कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, कोस का क्या हो गया माइनस साइन। ठीक है, तो यहां से हमें फाइनल मिल गया है 3 साइन स्क्वेयर एक्स और इंटू में ये कोस लिख देता हूं मैं, यहां पर ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यहां से 6 कोस रेज टू पावर 5x और यहां से क्या आ गया साइन एक्स। कुछ कॉमन है इसके अंदर, कॉमन करना चाहे तो कर सकते हैं, यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और कॉमन करना चाहे तो कर सकते हैं। तो देखिए एक तो 3 और 6 में 3 कॉमन हो रहा है, साइन की सिंगल पावर कॉमन हो सकती है, यहां डबल है यहां सिंगल है, कोस की भी सिंगल कॉमन हो सकती है, तो आप यहां पर साइन एक्स और कोस एक्स भी कॉमन कर सकते हैं। तो 3 कॉमन गया, साइन की एक पावर कॉमन गई, एक साइन बचा, कोस कॉमन जा चुका है माइनस, 6 में से 3 कॉमन गया कितना बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, 6 को हमें 3 से डिवाइड करना है, कभी सब्ट्रैक्ट कर लो, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, है ना। और यहां से कोस की एक पावर गई, कितनी पावर बची भाई 4 पावर बची, और साइन तो कॉमन जा ही चुका है। ठीक है, तो आपके पास ये हो जाएगा आंसर, तो यहां भी छोड़ सकते हैं, आपका आंसर यही मैच कर जाएगा वैसे तो एलिमेंट में,
ठीक है, और ये भी कर देते हैं तो भी कोई गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट और ले रहे हैं हम, ठीक है। तो काफी लंबी सारी टर्म है और आपको मैं बता देता हूं कि एलिमेंट की बुक का ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर सबसे बड़ा होगा, इससे बड़ा आंसर किसी का नहीं होगा, सबसे बड़ा आंसर आता है इसका, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कितना बड़ा आंसर आएगा इसका। तो वाई के इक्वल टू लेट कर रहे हैं भाई, आपके पास क्या है यहाँ पर एक्स टेन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स और प्लस क्या है भाई आपके पास सीकेंट एक्स, और इसकी होल पावर कितनी थी 5/2, ठीक है ये। तो चलिए करते हैं डेरिवेटिव इसका, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का तो क्या हो जाएगा भाई डीवाई अपॉन में डीएक्स, आपको यहाँ पर होल पावर नजर आ रही है, तो इस ब्रैकेट के अंदर जाने की हमें परमिशन तभी मिलेगी जब हम इस पावर का डेरिवेटिव कर देंगे, इसका हिसाब किताब कर देंगे, है ना। और पावर का कैसे होता है, सेम वही तरीका, पावर आगे बाकी अंदर का सेम लिखा जाएगा जब पावर का करेंगे तब, ठीक है। तो ये मैंने सेम लिख दिया है बिल्कुल, और पावर आगे आ गई, पावर एच डीज आ गई आगे, और पावर में से वन माइनस करेंगे तो 5/2 में से जब आप वन माइनस करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम यहां से हो जाएगा 2, 2 1 जा 2, तो 5 - 2 कितना बचा 3, तो आपके पास आ जाएगा ये 3/2, ठीक है। सीधा सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया भाई मैंने यहाँ पर, बिल्कुल एक्स रेज टू पावर एन वाला ये फॉर्मूला लगाया आपका, ये एन आगे और एन माइनस वन कर दिया मैंने ना, ये तो हो गया पावर का। अभी इनटू में किसका बचा है, इसके अंदर की टर्म का, तो लिखना पड़ेगा भाई डीवाई डी एक्स ऑफ एक्स टेन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स और प्लस सीकेंट एक्स, ठीक है इसका बचा हुआ है। तो चलिए करते हैं, तो ये तो आपकी एच डी चलती रहेगी, इसका तो कोई रोल बचा नहीं है, इसका डेरिवेटिव हो चुका है। तो एक्स टेन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स और प्लस आपके पास क्या है भाई सीकेंट एक्स, और इसकी होल पावर कितनी थी 3/2। चलिए इसके अंदर चलते हैं, अब इसमें आपको सभी टर्म्स के बीच में आपको प्लस या माइनस का साइन नजर आ रहा होगा, एक टर्म ये आपके पास, एक ये है और एक ये है, और इसमें भी डबल है, इसमें भी डबल है, ठीक है। तो यहां पर जब इसका करेंगे यू इंटू वी लगेगी, दो टर्म इंटू में आ रही है ना, तो यू इंटू वी, इसके अंदर भी दो टर्म इंटू में यू इंटू वी, ये सिंगल है, इसके अकेले का हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, इसमें लगाते हैं यू इंटू वी। अब आपको यू इंटू वी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि फर्स्ट टर्म सेम रहेगी और सेकेंड का क्या होगा डी बाई डी एक्स प्लस सेकेंड सेम फर्स्ट का डी बाई डी एक्स, मतलब 1/1 दोनों का होना चाहिए, ठीक है, आगे पीछे भी कर सकते हैं। चलिए इस पे आ जाते हैं, बाहर किसका साइन है माइनस का, इसका ध्यान रखना पड़ेगा भाई माइनस है, तो यहां पर भी फर्स्ट टर्म आपकी एच डीज और डी बाई डी एक्स किसका साइन का, देखिए प्रॉपर्टी के हिसाब से आना था साइन प्लस का, लेकिन बाहर माइनस है तो इसकी वजह से साइन किसका आएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, या फिर आप ब्रैकेट लगा ले बाद में साइन चेंज कर ले, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर साइन एक्स आपका एल टीज रहेगा और डी बाई डी एक्स किसका होगा एक्स स्क्वायर का, तो मैंने इसके अंदर भी यू इंटू वी लगा दी है और इसके अंदर भी यू इंटू वी लगा दी है, बची है ये टर्म, ठीक है। तो इसका तो कर ही देते हैं सीधा भाई, सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है आपको याद होगा, सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट इंटू टेन, ठीक है, डबल टर्म आती है, तो यहां पर इसका तो मैंने कर ही दिया है, सीकेंट का डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सीकेंट इंटू टेन, ठीक है। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां पर ये 5/2 ये एज इट इज रहेगा आपका, इसका तो काम हो लिया ना पूरा, इसका तो डिफरेंशिएशन हो चुका है, ठीक है, तो ये तो एज इट इज लिखा जाएगा इसमें, और होल पावर कितनी हो गई 3/2। इनको सोल्व करते हुए चलते हैं, एक्स आपका सेम रहेगा, टेन का क्या हो जाएगा भाई सीकेंट स्क्वेयर, ठीक है, प्लस यहाँ पर टेन आपका एच डीज रहेगा, देखिए फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए, अब आपको ये याद नहीं है कि टेन का क्या होता है तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए वीडियो नंबर 1 देखे जरूर, ठीक है। टेन का क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वेयर, टेन एच डीज एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है, क्योंकि एक्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऐसे याद रख लो, या फिर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया भी था, ठीक है ना। तो ये तो 1 हो गया, 1 इंटू में लिखना जरूरी नहीं है इसलिए मैंने खाली 10 लिख दिया है, माइनस यहाँ पर क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। और साइन का क्या होगा भाई, साइन का होगा कोस, साइन का कोस, फिर क्या है माइनस, तो माइनस, फिर क्या है साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, अभी पीछे भी बताया था,
और प्लस में इसका तो हम कर ही चुके थे, सीकेंट का क्या कर दिया था हमने, सीकेंट इंटू टेन। सीकेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट इंटू टेन होता है। ये सिंगल टर्म थी सीधा कर दिया हमने, ये डबल डबल थी यू इंटू भी लगाई, बाद में सोल्व किया, ठीक है ये हो गया भाई। अब देखते हैं क्या चेंज कर सकते हैं इसमें, शॉर्ट फॉर्म में लेके आने की कोशिश करते हैं, आएगा तो ठीक है, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। तो ये तो आपकी एच डीज रहेगी, ये तो मैंने एच डीज लिख दी है। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ कॉमन वोमन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए ये आपका एच डीज है भाई, एक्स सीकेंट स्क्वेयर एक्स प्लस टेन एक्स, ये भी एच डीज। यहाँ पर एक्स स्क्वेयर कोस एक्स, ये भी सेम। इसमें छोटा सा चेंज कर सकते हैं, इस छोटी टर्म को आगे लिख सकते हैं इसके, तो माइनस का टू एक्स मैंने पहले लिख दिया है और फिर लिख दिया है साइन एक्स, ठीक है। और प्लस में क्या है भाई आपके पास, सीकेंट एक्स और क्या है टेन एक्स, ठीक है। और यही आपको बिल्कुल एच डीज आंसर में मिलने वाला है, आंसर यही होगा आपका, क्योंकि इसके अलावा इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप देखें कि चेंज ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, इन दोनों को साथ में रख के एक्स कॉमन कर लेंगे, क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। मतलब फायदे का मतलब जैसे कोई आइडेंटिटी वगैरह बननी चाहिए ना, ताकि टर्म शॉर्ट हो जाए, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं। या फिर आप कर सकते हैं इन दोनों टर्म को साथ में रख के टेन कॉमन कर सकते हैं, या फिर इसके इसके साथ में रख के सीकेंट, लेकिन फायदा कुछ नहीं होना है। मतलब टर्म इतनी लेंदी रहेगी, आंसर इतना लंबा ही रहेगा, इससे सिंपलेस्ट नहीं होगा। कॉमन वोमन करना चाहिए तो कर सकते हैं, आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आपका आंसर यही मैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको देखिए एक काम, अगर आप यहाँ पर करना चाहें तो ये वाला कर सकते हैं, इन दोनों टर्म में से आप क्या कॉमन कर सकते हैं, टेन कॉमन कर सकते हैं भाई। तो टेन कॉमन करेंगे तो यहाँ पे तो बचेगा आपके पास वन, और प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, सीकेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर में इतना छोटा सा चेंज कर रखा है। अब ये आंसर मैच मैं आपके लिए करवा रहा हूँ, वैसे कोई जरूरी नहीं है, बस आपको टारगेट ये रखना है कि आंसर को है ना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो अब देखिए कॉमन लेने से कोई सिंपल थोड़ी ना हुआ, आंसर तो फिर भी उतना ही लेन दिए, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप ये नहीं भी करते हैं तो भी मार्क्स आपको फुल मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।